नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है, यानी पित्त डोमिनेंट है या फिर आपकी पित्त प्रकृति है, तो उस बढ़े हुए पित्त को शांत करने के क्या उपाय है। देखिए, हमने प्रकृति के वीडियो सीरीज में वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों के बारे में, इन तीनों प्रकृतियों के व्यक्तियों में शारीरिक और मानसिक लक्षण हमें क्या क्या दिखाई देते हैं इसके बारे में हमने पहले भी देखा है। इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो ये वीडियोस भी आप ज़रूर देखिए ताकि आपको इन व्यक्तियों का बेसिक नेचर कैसा होगा, इनका स्वभाव कैसा होगा, इन सब के बारे में आपको पता चल सके। देखिए, जिनके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है यानी पित्त डोमिनेंट है, तो उनके उन व्यक्तियों में उनमें लक्षण क्या दिखेंगे, उनको क्या तकलीफ हो सकती है और उस पित्त को शांत करने के लिए आप घर पे क्या चिकित्सा ले सकते हैं, कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या सावधानी आपने बरतनी है, इसके साथ ही इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा आप क्या ले सकते हैं और पंचकर्म में इस बढ़े हुए पित्त को कम करने के लिए क्या क्या चिकित्सा है, तो इन सब के बारे में आज के वीडियो में देखेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पित्त बढ़ा है यानी क्या, यानी पित्त के बढ़ने से आपको क्या तकलीफ हो सकती है। देखिए, आयुर्वेद में पित्त के गुण बताए हैं, तो उसमें बताया गया है पित्तम सस्नेहम तीक्ष्णोष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम, ये उन्होंने पित्त के गुण बताए हैं। लेकिन ये पित्त जब आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है तो काफ़ी सारी तकलीफें हो सकती है। तो इसमें आपको क्या क्या तकलीफ होगी, तो इसमें शरीर में बहुत जलन होगी, सीने में जलन होना या फिर जी मचलाना, उल्टी जैसे लगना या फिर बहुत ज़्यादा पसीना आना, पसीने की दुर्गंधी होना या फिर बालों की समस्या आपको हो सकती है, जैसे बालों का झड़ना है या फिर सफ़ेद होना, त्वचा में बहुत जल्दी झुर्रियाँ पड़ना या फिर त्वचा में बहुत सारे तिल दिखने लगना, जैसे हम मोल्स कहते हैं, तो ये तकलीफें भी इन लोगों को हो सकती है। इसके सिवा आयुर्वेद में रक्तपित्त नाम का एक लक्षण बताया है। रक्तपित्त यानी क्या, तो शरीर से खून निकलना, फिर ये खून मूत्र मार्ग से या फिर मल मार्ग से यानी यूरिन या स्टूल के द्वारा निकल सकता है या फिर नाक से खून बहना या महिलाओं में मासिक धर्म के समय रक्तस्राव ज़्यादा होना, तो ये लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह से शारीरिक लक्षण हमें काफ़ी सारे दिखाई देते हैं। इसके सिवा जो मानसिक लक्षण है, फिर पित्त के बढ़ने से बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहना, ये व्यक्ति बहुत यानी उनके मन के खिलाफ अगर कोई छोटी सी भी बात हो गई तो ये लोग सहन नहीं कर सकते। तो इस तरह हमें शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे दोनों इसमें हमें पित्त के बढ़ने के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। इस पित्त को बढ़ाने के लिए जो भी कारण है उसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आयुर्वेद में बताया गया है संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिमार्जनम, यानी कोई भी बीमारी होने के पीछे जो भी कारण है, जो भी वजह है, उसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखते हैं कि ये कारण क्या है। सबसे पहला कारण हमारे खान पान से संबंधित है। अगर आपके खाने में मसालेदार चीज़ें, तली हुई चीज़ें यानी फ्राइड आइटम ज़्यादा है या फिर जंक फूड है, फास्ट फूड है, बेकरी आइटम्स है या नॉनवेज है, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अगर आप लेते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स है, तो ये सभी चीज़ें जो है ये पित्त को बढ़ाने वाली है। देखिए, हमारे घर में, हमारे रसोई में जो भी मसाले हम यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छे हैं। आयुर्वेद में इसे दीपन पाचन बताया गया है, यानी खाने को अच्छे से पचाने वाले, भूख को बढ़ाने वाले है। लेकिन इन मसालों का युक्तिपूर्वक प्रयोग हमने करना चाहिए, यानी हमारे प्रकृति के अनुसार इसका यूज़ हमें करना चाहिए। फिर जिसकी पित्त प्रकृति है या जिसका पित्त बहुत जल्दी बढ़ता है, उसने इन मसालों को बहुत ही संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें इन मसालों का फ़ायदा भी मिल सके और इसकी तकलीफ भी हमें ना हो। पित्त को बढ़ाने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है खाने का समय। देखिए, अगर आपको बहुत भूख लगी है और आप खाना नहीं खा रहे तो ये भी पित्त को बढ़ाने वाला है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपको बिल्कुल भूख नहीं है लेकिन खाना खाने का समय हो गया इसलिए आपने खाना खा लिया, या फिर जितनी भूख है उससे बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, तो ये सभी चीज़ें पित्त को बढ़ाएगी। इसके साथ ही काफ़ी लोग रात को बहुत देर से खाना खाते हैं, तो आइडियली हमने 7 या
7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10-10:30 बजे सोते हैं तो खाने के और सोने के बीच में कम से कम 3-3.5 घंटे का अंतर ज़रूर होना चाहिए। अब इसके पीछे क्या कारण है, तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक से यानी हमारे आमाशय से हमारे जठर से वो खाना नीचे जाने के लिए 2.5-3 घंटे का समय लगता है, और ये जब खाना नीचे चला जाता है तो इसका डाइजेशन भी प्रॉपर होता है, आपको बहुत हल्कापन महसूस होता है, आपको रात को नींद भी बहुत अच्छी आती है और सुबह भी बहुत हल्कापन लगता है। लेकिन जब आप रात को बहुत देर से खाना खाते हैं तो ये जो खाना है वो वहाँ के वहाँ जमा हुआ रहता है, तो उसका डाइजेशन ठीक तरह से नहीं होगा, सुबह आपको बहुत भारीपन लगेगा, खाना कभी कभी ऊपर आए जैसा लगेगा, सीने में जलन होगी, जी मचलाएगा। तो ये सभी तकलीफ़ों से अगर आपको बचना है तो रात का खाना जल्दी खाना ये सबसे बढ़िया उपाय है। इसके साथ ही सुबह आप जितनी मात्रा में खाना लेते हैं तो उससे थोड़ा जो रात का खाना है वो हल्का हो। इसके साथ ही हमें हमेशा हमारा जो पारंपरिक फूड है, जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, उसका सेवन करना चाहिए। ये हमारा पारंपरिक खाना छोड़ के जब भी हम दूसरा कुछ खाने की कोशिश करते हैं या बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं तो भी पित्त की तकलीफ हमें हो सकती है, तो इससे भी थोड़ा सा बचना चाहिए। देखिए आयुर्वेद ने खान पान को इतना सारा महत्व क्यों दिया है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसका असर हमारे डाइजेशन पर भी होता है, और आयुर्वेद ने अग्नि का बहुत महत्व बताया है। यहाँ तक बताया है कि शांते अग्नो म्रियते, यानी अंदर जो हमारी अग्नि है, जो पचन कराने वाली अग्नि है, वो अगर शांत हो गई तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु ने भी बताया है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितम, यानी उसको इतना महत्व दिया हुआ है कि वो कहते हैं कि मैं स्वयं ये अग्नि यानी मैं खुद हूँ। तो इस तरह से इस अग्नि का महत्व है। आयुर्वेद में 13 प्रकार के अग्नि बताए हैं, तो एक जो है वो है पाचक अग्नि यानी पचन कराने वाला अग्नि, जिसे जाठर अग्नि भी कहा जाता है। उसके साथ ही 7 धातुओं की 7 अग्नि है, इन्हें धात्वाग्नि कहा जाता है, और 5 है 5 महाभूतों की 5 अग्नि, यानी जो आकाश वायु तेज आप और पृथ्वी, ये जो पंच महाभूत है इनकी 5 अग्नि, तो ये इस तरह से 13 अग्नि है। तो इनका बहुत ही महत्व बताया हुआ है, और जब हमारा खान पान अच्छा रहेगा तो ये अग्नि भी नॉर्मल अवस्था में रहेगा, और जब अग्नि अच्छा रहेगा तो बाकी सभी बीमारियों से सभी तकलीफ़ों से आप बच सकते हैं। देखिए शरीर में वात पित्त कफ इन दोषों का बढ़ना और कम होना मौसम के अनुसार भी रहता है, जैसे कुछ ऋतुओं में ये जो दोष है ये बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं, तो इसी तरह से शरद ऋतु यानी सितंबर अक्टूबर महीने में ये जो पित्त दोष है ये स्वभावतः शरीर में बढ़ता है, तो इस मौसम में हमने जो पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें है उनसे हमने खुद का बचाव करना चाहिए। इसी तरह जो यंग एज है यानी जो युवावस्था है ये भी पित्त प्रधान बताई गई है, तो इन लोगों को भी जो बहुत ज़्यादा मसालेदार या फिर तली हुई चीज़ें इन सभी से उन्होंने बचना चाहिए। इसी तरह जिनकी पित्त प्रकृति है उन लोगों के खाने में अगर थोड़ा सा भी कुछ ज़्यादा मसालेदार या फिर पित्त बढ़ाने वाला अगर कुछ आया तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसके साथ ही इन लोगों की अग्नि जो है वो तीक्ष्ण अग्नि है, ये कुछ भी खाए तो बहुत जल्दी से उसका पचन कर देते हैं, तो इन लोगों को अगर भूख लगी है और इन लोगों ने खाना नहीं खाया तो भी इनको तकलीफ इससे हो सकती है, तो इन सभी बातों का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। इसके साथ ही कुछ मानसिक कारण भी है, जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन आता है, स्ट्रेस है, या फिर बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो ये सभी चीज़ें भी पित्त को बढ़ाने वाली है। जब भी किसी भी कारण से ये पित्त जो है ये शरीर में बढ़ने लगता है तो ज़्यादातर गोलियाँ लेके इसे दबाया जाता है। देखिए तब भी खान पान में संबंधित सावधानी बरतने से गोलियाँ प्रिफर की जाती है, तो इन गोलियों के द्वारा जो भी बढ़ा हुआ पित्त है उसे हमेशा दबाया जाता है, और ये जब बार बार होता है तो ये जो पित्त है ये बाहर निकालने के बजाय उसे शरीर में ही वो जमा रहता है, और फिर बाद में क्या होता है, तो जो हमारी पित्त की थैली है, जो गॉल ब्लैडर है, उसमें स्टोन्स बनने लगते हैं, इसे कोलेलिथियासिस कहा जाता है, और इसके बाद इसका भी ऑपरेशन कराया जाता है, और इस ऑपरेशन में कभी भी सिर्फ स्टोन नहीं निकाला जाता, तो जो पूरी पित्त की थैली है, जो गॉल ब्लैडर है, उसे ही निकाला जाता है, इसे कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं।
लेकिन ये ऑपरेशन होने के बाद भी काफ़ी लोगों की तकलीफ तब भी कम नहीं होती, तब तो फिर थोड़ा सा भी कुछ हेवी खा लिया तो उनको बहुत जल्दी तकलीफ होती है। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी जो लक्षण है वो कम नहीं होते, तो हमने हमारे खान पान में जो भी कारण हमने पहले आपको बताए उन सबसे बचाव करना, ये सबसे बड़ी चिकित्सा है। पित्त को अगर बार बार शरीर में दबाया जाए तो उसका असर हमारी त्वचा पे, हमारे स्किन पे भी होता है। फिर त्वचा का लाल होना या फिर बहुत ज़्यादा जलन होना, एलर्जी होना, खुजली होना, ये सारे लक्षण तब दिखाई देते हैं। और फिर इस एलर्जी को कम करने के लिए फिर से गोलियां लेके उसे भी दबाया जाता है। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो इसमें हमने गोलियों पे डिपेंड रहने से अच्छा है जो कारण है उसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि बढ़े हुए पित्त को शांत करने के लिए आप घर में क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, आपके घर में गाय का घी है और ये जो गाय का घी है ये उत्कृष्ट पित्त शमन करने वाला है। आयुर्वेद में उसका बहुत महत्व बताया है। लेकिन ये जो गाय है ये देसी गाय होने चाहिए या फिर आपके घर में बना हुआ जो घी है वो आपने इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस घी को आप दाल में लेके या फिर रोटी को लगा के आपने इसका सेवन करना है। आप छोटे चम्मच से 2 चम्मच घी आप ले सकते हैं, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपका जो पित्त आपको हमेशा अगर बढ़ता है तो उसको कम करने के लिए ये जो गाय का घी है ये आपको बहुत मदद करेगा। दूसरी जो चीज़ है वो है मक्खन भी इसमें बहुत अच्छा है। ये जो मक्खन है वो भी घर पे बना हुआ होना चाहिए। जो बाहर जो मक्खन मिलता है जिसे बटर कहते हैं वो वाला, वो आपको पित्त कम करने में मदद नहीं करेगा, उल्टा वो पित्त को बढ़ा सकता है। तो घर में बना हुआ अगर ये मक्खन है तो उसे आप खड़ी शक्कर यानी मिश्री के साथ भी आप उसे ले सकते हैं, तो वो भी पित्त को बहुत अच्छी तरह से कम करेगा। तीसरी जो चीज़ आपके घर में है वो है आंवला। तो आंवले का जो मुरब्बा है या फिर आंवले का शरबत है, आंवले की कैंडी है, तो इसे आप सेवन कर सकते हैं। तो ये भी पित्त को कम करने के लिए बहुत ही असरदार है। इसके साथ ही जो काला मुनक्का है यानी जो ब्लैक रेजिन्स है, ये भी पित्त शामक है। तो अगर आपके घर में काला मुनक्का है तो 8 से 10 काले मुनक्के आप रात को पानी में उसको भिगाओ और सुबह उसको हल्का सा निचोड़ के पानी के साथ वो पूरे मुनक्के जो है वो आपने लेने हैं, तो ये भी बहुत असरदार है। इसके साथ ही ये जो मुनक्का है ये मृदु विरेचक है, यानी अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता तो वो भी इससे बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। इसके साथ ही गुलकंद है तो वो भी आप ले सकते हैं। गुलकंद आप 1-1 चम्मच 2 बार दिन में ले सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है वो पित्त को कम करने में बहुत आपकी मदद करेगी। हमारे खाने में 6 रस यानी 6 स्वाद होते हैं। तो आयुर्वेद में बताया गया है कषाय तिक्त मधुराहा पित्तम अन्ने तु कुर्वन्ते। इसका मतलब क्या है, देखिए, कषाय तिक्त मधुराहा पित्तम, कषाय यानी कसेला रस, तिक्त यानि कड़वा रस, कषाय तिक्त मधुराहा, मधुर यानि मीठा रस। तो ये जो 3 रस है यानि कसेला, कड़वा और मीठा रस, तो ये पित्त को कम करते हैं। और बाकी बचे हुए जो 3 रस है वो पित्त को बढ़ाते हैं, यानि खट्टा रस या फिर नमकीन चीज़ें या जो तीखी चीज़ें हैं वो पित्त को बढ़ाने वाली है। तो हमने पित्त को कम करने वाले जो रस है, जो स्वाद है, उसका सेवन करना चाहिए। तो मधुर रस में हमने पहले भी बताया, जैसे मक्खन है या फिर घी है, गाय का दूध है या फिर मुनक्का है, तो ये सभी चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके साथ ही जो कसेला रस है तो उसमें फिर आप अनार ले सकते हैं या फिर आंवला भी कसेले रस का है तो उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। तिक्त रस उन्होंने बताया है, तिक्त यानी कड़वा रस, तो जो नीम के पत्ते हैं वो भी 4 से 5 नीम के पत्ते आप चबा के ले सकते हैं या फिर जो करेला है उसकी सब्जी आप बना के ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके खाने में आप इसका बैलेंस कर सकते हैं। ये जो 3 स्वाद है, 3 रस है, वो पित्त कम करने में आपको हमेशा मदद करेगी। अगर खान पान से संबंधित सावधानी लेने के बाद भी अगर आपको पित्त होता है तो फिर आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ भी बताई हुई है, जैसे सुशेखर रस है या कामदूधा रस है या विपत्तिकर चूर्ण है, तो ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। लेकिन दवाइयाँ लेने से पहले आपको जो आयुर्वेद चिकित्सक है उनकी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपको ये दवाइयाँ दी जाती है तो आपकी प्रकृति को देखकर, आपके लक्षणों को यानी आपके सिम्टम्स को देखकर, आपको बाकी और क्या तकलीफ़ हो रही है, आपकी उम्र कितनी है, कितने दिनों से आपको ये बीमारी है, इन सब के बारे में सोच कर ही दवाई कब लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, ये सब आपको बताया जाता है। तो जो भी चिकित्सा आपको लेनी है वो हमेशा चिकित्सक की
सलाह से ले। अगर आप बहुत दिनों से दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन फिर भी अगर आपका पित्त कम नहीं हो रहा है तो क्या करना है, तो फिर इस बढ़े हुए पित्त को शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसे ही शोधन चिकित्सा कहा जाता है। शोधन चिकित्सा यानी पंचकर्म चिकित्सा। पंच यानी पाँच और कर्म यानी प्रोसीजर्स। तो इन पंचकर्मों में वमन, विरेचन, बस्ति, नस्य और रक्तमोक्षण, ये पांच कर्म है। इनके बारे में हमने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। तो इस बढ़े हुए पित्त को शरीर से बाहर निकालने के लिए विरेचन चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या किया जाता है, तो औषधियाँ दे के जुलाब के द्वारा इस पित्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसके साथ ही जो है और जो शरीर में रक्त है इन दोनों का भी संबंध है। तो जो रक्त मोक्षण चिकित्सा है जिसमें ये दूषित रक्त शरीर से बाहर निकाला जाता है वो भी इसमें मदद करती है। लेकिन विरेचन चिकित्सा और रक्त मोक्षण चिकित्सा हमेशा चिकित्सक की देखरेख में करना बहुत ज़रूरी है। घर में आप मृदु विरेचन यानी सौम्य विरेचन यानी बहुत ही माइल्ड डोज में आप विरेचन आप करवा सकते हैं। तो इसको करने के लिए आप एरंड तेल का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए एरंड तेल की मात्रा जो है इसका डोज जो है वो उम्र के हिसाब से या फिर आपके प्रकृति के हिसाब से भी रहता है, लेकिन जो एडल्ट है तो वो लोग 4 से 6 चम्मच एरंड का तेल यानी 5 ml का 1 चम्मच अगर हम पकड़ के चले तो 20 से 30 ml एरंड का तेल आप ले सकते हैं। तो इसे सुबह 4-4:30 बजे आप ले सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी आपने लेना है और फिर से आप सो सकते हैं। उसके बाद 2 घंटे के बाद 2 या 2.5 घंटे के बाद यानी 6-7 बजे तक आपको मल का वेग आएगा और उसके बाद आपको 2-3 जुलाब भी हो सकते हैं। तो ये जो अंदर जमा हुआ पित्त है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। उस दिन आपने थोड़ा रेस्ट करनी है, आराम करना है, खाना जो है वो हल्का लेना है। खास करके शरद ऋतु में आप इसे घर पे ये कर सकते हैं, क्योंकि हमने जैसे पहले बताया तो इस ऋतु में ये जो पित्त है वो शरीर में बढ़ा हुआ रहता है तो वो भी आसानी से निकल जाएगा। लेकिन जो एरंड तेल आप ले रहे हैं उसका डोज जो है वो बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा इसमें सावधानी आपको बरतना ज़रूरी है। एक और बात है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ है, आपको उल्टी जैसा लग रहा है, जी मचला रहा है और आप गोली लेके अगर उसको दबा रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उल्टा वो जो उल्टी हो रही है उसको आप होने दीजिए। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी पित्त वहाँ पे जमा है, तो वो उल्टी के द्वारा वो शरीर से निकल जाएगा, आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा। पित्त के बढ़ने से जो भी मानसिक लक्षण दिखते हैं जैसे बहुत गुस्सा आना या इरिटेबिलिटी रहना, तो इसको काम करने के लिए आप प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, ओंकार इसे कर सकते हैं, या फिर कोई रिलैक्सेशन टेक्निक से, या फिर म्यूज़िक सुनना है जो म्यूज़िक बहुत शांत रहे, आपको वो सुन के अच्छा लगे, जैसे फिर क्लासिकल म्यूज़िक है या फिर इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है तो ये आप सुन सकते हैं। जो चीज़ें करना आपके मन को अच्छा लगे करने से या फिर आपका मन प्रसन्न हो तो ये सभी चीज़ें आपने ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपका जो मन है वो शांत होगा और जो मानसिक कारणों से जो पित्त बढ़ता है वो भी कम होगा। पित्त के बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पसीने को दुर्गंधी रहती है, तो इसमें शरीर पे चंदन का लेप या सुगंधी द्रव्यों का लेप, इसका उपटन, ये भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने पित्त को शांत करने के लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय आप कर सकते हैं, क्या चिकित्सा ले सकते हैं, इन सब के बारे में बताया। तो इसका उपयोग आपके जीवन में भी आप कर सकते हैं। अगर आपको भी पित्त बढ़ता है, इससे तकलीफ होती है, तो इन उपायों को आप आजमा के देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।